जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स के चैप्टर 12, ये एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किट डायग्राम का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कॉपी पे या कहीं भी अगर सर्किट डायग्राम हमें दिखाना हो और सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस दिखाना हो, सेल दिखाना हो, तो अगर सेल दिखाना हो तो सेल तो काफ़ी बड़ा होता है, खूब बड़ा उसमें बना करके दिखाएंगे नहीं, वो कॉपी पे हटेगा ही नहीं। अगर बाई दबे मान लीजिए सेल अट भी जाता है, तो अगर बैटरी है तो बैटरी काफ़ी बड़ी होती है तो उसको तो कॉपी पर रख के दिखाएंगे नहीं। तो और या मान लीजिए बल्ब है, बल्ब आपको दिखाना है, या ढेर सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ती है, या दूसरे हम शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम में ढेर सारे ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनका डायग्राम फिक्स किया गया है। और फिक्स डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस तरह का सर्किट बना है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल रिप्रेजेंट किया गया है। अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल हमें दिखाना होगा तो इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे ही दिखाएंगे। यहाँ पर इसमें जो लार्ज लाइन होती है वह एनोड को रिप्रेजेंट करती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो स्मॉल लाइन होती है वह कैथोड को रिप्रेजेंट करती है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी सर्किट में सेल को जोड़ना होता है तो इसका जो एनोड होता है, एनोड को एक तरफ से जोड़ते हैं और कैथोड को दूसरे तरफ से जोड़ते हैं। तो जहाँ कहीं भी सर्किट में इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो अब वहाँ पर यहाँ तो नीचे लिख दिया गया है एन इलेक्ट्रिक सेल, लेकिन सर्किट में ये लिखा नहीं रहेगा। तो सर्किट में लिखा नहीं रहेगा तो आपको इस सर्किट को देख करके, इस डायग्राम को देख करके ही समझ जाना होगा कि ये इलेक्ट्रिक सेल है। अब इसके बाद आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जब कई सेलों को हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो कंबाइन करने के बाद बैटरी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, यहाँ पर तीन सेल हैं और तीनों सेलों को हम लोग मिला दिए हैं। तो जब तीनों सेलों को आपस में कंबाइन कर दिया गया है तो यहाँ बैटरी फॉर्म हो गया है। तो आपको अगर कहीं भी सर्किट में ढेर सारे सेल पास पास दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि ये बैटरी है। एक चीज़ हम और भी बता देते हैं कि जब सेलों को, जैसे अब आपके नॉलेज के लिए बता दें कि कई सेल जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं ना, और उसका एनोड पहले होता है, कैथोड बाद में होता है, तो इसको हम हाई टेंशन बैटरी कहते हैं, HT बैटरी कहते हैं। इसके द्वारा बहुत अधिक वोल्टेज फाइंड होता है, और इसी को जब उल्टा जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कैथोड पहले एनोड बाद में, कैथोड पहले एनोड बाद में, तो इनको हम LT बैटरी कहते हैं, यानी कि लो टेंशन की बैटरी कहते हैं। लो टेंशन की बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज काफ़ी कम होता है। तो ये आपको माइंड किए रहना है कि जहाँ भी इस तरह का सिंबल आपको सर्किट में दिखाया गया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये बैटरी है। अब इसके बाद हम आते हैं स्विच, देखिए तो यहाँ पर ये स्विच का सिंबल है, लेकिन अब अगर यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाएगा तो यह स्विच जो है क्लोज हो जाता है,
अब स्विच क्लोज होने का मतलब क्या? स्विच क्लोज होने का मतलब सर्किट क्लोज हो गया, और जब सर्किट क्लोज होगा तभी सर्किट में करंट फ्लो होगा, जब क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर इस तरह से हो तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच ओपन हो गया, जब स्विच ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं स्विच ऑफ। जब स्विच जब इस तरह का सिंबल बना रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि स्विच ऑफ है, और जब स्विच ऑफ है तो सर्किट में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये सर्किट देख करके आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जब यहाँ बीच में एक पॉइंट दे दिया जाता है तो इस पॉइंट से हमको ये पता चल जाता है कि ये स्विच है लेकिन स्विच क्लोज्ड है। तो स्विच क्लोज्ड का मतलब सर्किट क्लोज्ड है, और जब सर्किट क्लोज होता है ना तभी करंट फ्लो होती है। तो ये चीज आप हमेशा माइंड किए रहिएगा कि जब यहाँ स्विच ओपन लिखा रहेगा तो बहुत लोगों के दिमाग में कुछ उल्टा सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब स्विच ओपन रहता है तो ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, और जब क्लोज्ड रहता है इसका मतलब स्विच ऑन है। तो जब इस तरह का सिंबल सर्किट में बनाया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि स्विच ऑन है, यानी बैटरी के द्वारा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद अगर वायर का ज्वाइंट हो, आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये वायर कहीं एक तरफ से दूसरे तरफ घर में वायरिंग हुई है, और वायरिंग में वायर एक तरफ से दूसरे तरफ कहीं जा रहा है, और उसी में से हम लोगों को एक दूसरा वायर ले करके लाना है, और ला करके उसका कनेक्शन जो है किसी दूसरे ऑपरेटर से देना है। तो अब यहाँ पर ज्वाइंट होता है, और ज्वाइंट करके अब यहाँ से तार हम ले करके चले जाते हैं किसी दूसरे सर्किट में ले जाना होता है, तो इसको हम कहते हैं वायर ज्वाइंट। ये वायर का ज्वाइंट है। इस तरह से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सर्किट में जो है ये ज्वाइंट बनाया गया है, और ज्वाइंट बना करके इलेक्ट्रिक करंट को कहीं और भेजा गया है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये वायर का क्रॉसिंग है, तो आपको पता है कि क्रॉसिंग में दोनों एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते हैं। देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग होता है, रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बना होता है तो बसें ऊपर से जाती हैं और ट्रेन नीचे से जाती है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वायर का क्रॉसिंग है, एक वायर नीचे से इधर से जा रहा है और दूसरा वायर जो है इसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन नीचे वाले वायर को ये ऊपर वाला वायर जो है कहीं टच नहीं कर रहा है। देखते हैं नॉर्मल जो आप लोग जैसे जो जितने ज्ञान वाले बच्चे होते हैं वो घर पे भी क्रॉसिंग बना देते हैं, वो प्लास्टिक ले लेते हैं, और पता चला उनको मन में शंका हो जाती है कि ये तार हो सकता है बहुत पास पास हैं, ये आपस में जब जुड़ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इससे वो करते क्या है कि वहां पर टेप भी नहीं लगाते हैं, उनके पास इतना अच्छा सिस्टम होता है, कहीं से प्लास्टिक लाते हैं और प्लास्टिक ला करके पहले वाले में बांधेंगे, फिर दूसरे वाले में बांधेंगे, और मन करेगा तो फिर दोनों को मिला कर कहीं में बांध देंगे। तो इस तरह से जो है वो बना देते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो ये वायर क्रॉसिंग होता है। वायर क्रॉसिंग में ये होता है कि वायर एक वायर जो होता है वो दूसरे वायर को कहीं टच नहीं करता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर मान लीजिए सर्किट में बल्ब दिखाना हो, बल्ब को खूब विधिवत हम बनाने लगे हैं तो बल्ब को ही बनाते रह जाएंगे। तो इसलिए जो है अगर सर्किट में बल्ब हमें दिखाना होगा तो बल्ब को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये बल्ब हो जाता है। और अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि फैन दिखाना होता है तो फैन को दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया जाता है। कभी कभार अगर दिखाना होता है सर्किट में फैन तो ऐसे दिखा दिया जाता है, इसका मतलब फैन लगा हुआ है और फैन चल भी रहा है, बड़े स्पीड में चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। अब इसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब आप समझ लीजिए कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं आपके सर्किट में, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी रजिस्टर ही होते हैं। रजिस्टर का मतलब क्या? रजिस्टर का मतलब करंट को रोकने वाला। तो जब करंट रोकता है
तो वो ऑपरेटर जब करंट को डिस्टर्ब करता है, करंट को रोकता है, तो करंट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो वर्किंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्किंग एनर्जी या कह लीजिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वह ऑपरेटर से होता है वो वर्क करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर फैन ही लगा हुआ है, तो फैन का वर्क क्या होता है, जब करंट जाता है तो फैन के अंदर जो वायर बना करके जो मोटर तैयार किया गया होता है, ये मोटर एक प्रकार का हाई पावर का रेजिस्टेंस होता है, हाई पावर का रेजिस्टर होता है। यह रेजिस्टर करता क्या है कि करंट को रोकता है, और जब करंट को रोकता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से फैन जो होता है वो अपनी जगह पर घूमने लगता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि सर्किट में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, सभी ऑपरेटर्स एक तरह से वो रेजिस्टेंस का ही वर्क करते हैं। तो अगर आपको सर्किट में कहीं इस तरह का सिंबल दिखाई दे, तो आप समझ जाएंगे कि ये रेजिस्टर है, और अगर इस तरह का सिंबल दिखाई दे दे तो आप समझ जाएंगे कि फैन लगा हुआ है। अब यह है कि अब हर चीज का सिंबल नहीं होता है कि कूलर का सिंबल तब कैसा होगा, तो अब कूलर का कोई विशेष उसका अलग से कोई सिंबल नहीं है, ठीक ना। तो अब जो है, अब इसके बाद आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट को जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब, यह रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो रियोस्टेट है जिसको हम लोग रेगुलेटर भी कहते हैं। आप देखते हैं जब हम वन पे कर देते हैं, रेगुलेटर को वन पे कर देते हैं, तो फैन हमारा धीरे धीरे चलता है। जब टू पे कर देते हैं तो फैन और तेज चलने लगता है। जब थ्री पे करते हैं तो और तेज चलने लगता है। फोर को करते हैं, फाइव पे करते हैं तो और तेज चलने लगता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो रेगुलेटर ऐसा क्या करता है कि वन पे स्लो चलता है और फाइव पे कर देते हैं तो फास्ट चलने लगता है। तो ये जो होता है रियोस्टेट जो होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब आप इसको वन पे कर देते हैं ना, तो वन पे करने से होता यह है कि सर्किट में हो करके जितना भी करंट आता है, यह करंट को रोक लेता है, ज़्यादा करंट को रोक लेता है, और थोड़ा थोड़ा करंट को वो जाने देने लगता है। मतलब उस समय होता यह है कि जब आप वन पे करते हैं, तो वन पे करते समय ये रियोस्टेट जो होता है रेजिस्टेंस को इतना अधिक बढ़ा देता है, यानी रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है कि यह थोड़ी मात्रा में ही करंट को फैन के अंदर जाने देता है, जिससे फैन धीरे धीरे चलता है। जब दो पे कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो जो फ्लो होने वाली करंट होती है, करंट का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे फैन जो होता है वो फास्ट चलने लगता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाते हैं, फोर पे करेंगे, फाइव पे करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट का अमाउंट होता है, वो करंट का अमाउंट बढ़ता जाता है, और जिससे जो है फैन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये रियोस्टेट का काम है। रियोस्टेट को हमने कहा कि हम रेगुलेटर भी कहते हैं, और नॉर्मली जो है रियोस्टेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बुक में एक दूसरा भी सिंबल दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो है रियोस्टेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है एमीटर। अगर सर्किट में कहीं एमीटर जोड़ा गया है, तो एमीटर जोड़ा गया होता है तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एक तरफ प्लस वायर होता है, दूसरे तरफ माइनस वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के एनोड का कनेक्शन प्लस से होता है, और कैथोड का जो कनेक्शन होता है वो माइनस से होता है। और आपको पता है कि एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने से बेनिफिट ये होता है कि ये जो है सर्किट में फ्लो होने वाले पूरे करंट का मेजरमेंट करती है। अब इसके बाद आता है वोल्टमीटर।
तो वोल्ट मीटर दिखाना होता है तो वोल्ट मीटर को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, और फिर जो है ये वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं, और पैरेलल जोड़ने से होता ये है कि ये टू पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट मेजर करता है। तो इस प्रकार सर्किट, अगर सर्किट बनाना हो हमें, तो सर्किट में किसी भी सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं, और सिंबल का यूज करके हम ये पता लगाते हैं, या सिंबल देख करके केवल हम ये समझ जाते हैं कि सर्किट में किस तरह की करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में कौन सा ऑपरेटर्स लगा हुआ है, तो ये हमें इससे जानकारी मिलती है। और हमें उम्मीद है कि ये सबको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये ओम्स लॉ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, और हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप देखें, हम आपको बता दें कि ओम का जो फुल नेम है वो है जॉर्ज साइमन ओम, और इनका जो बर्न हुआ था वो 1787 में हुआ था, और इनका डेथ हुआ था वो 1854 में। और हम आपको बता दें कि 1827 में इन्होंने किसी कंडक्टर वायर, ये अगर कंडक्टर वायर है तो कंडक्टर वायर के टू पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इस वायर में फ्लो होने वाली करंट आई के बीच में एक रिलेशन के लिए एक लॉ रिप्रेजेंट किया, जिस लॉ को ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब ये ओम्स लॉ क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर वायर हो या कोई भी कंडक्टर हो, और अगर कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज न किया जाए, तो फिजिकल स्टेट चेंज न करने का क्या मतलब हुआ कि फिजिकल स्टेट चेंज न करने से मतलब हम लोगों का ये है कि अगर पहली बार में हम कॉपर का वायर लिए हैं तो दूसरी बार तीसरी बार हमेशा हम कॉपर का वायर ही लेंगे, वायर को हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पर पहले एक्सपेरिमेंट हम किए हैं वही टेम्परेचर हमेशा रहना चाहिए, टेम्परेचर भी कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और अगली बात ये कि उस वायर का जो लेंथ और डायामीटर है, लेंथ और डायामीटर नहीं चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि पहले उसका लेंथ कुछ और है और उस वायर को खींच करके उसका लेंथ कुछ और कर दिया गया और तब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इन दिस केस ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। ओम्स लॉ जो है यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में अगर चेंज न किया जाए, तो किसी वायर के टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में होने वाले, इन सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही ओम्स लॉ है। इस ओम्स लॉ को आप अच्छी तरह से माइंड किए रहेंगे कि यदि किसी कंडक्टर वायर के फिजिकल स्टेट में किसी प्रकार का कोई चेंज न किया जाए, तो उस वायर के टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज की जाए तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगे, एक की वैल्यू डिक्रीज की जाए तो दूसरे की वैल्यू भी डिक्रीज होने लगे, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इस रूल को ही
ओम्स ला कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपको वन लाइन का शो हो रहा है इसी को हम ओम्स ला कहते हैं। अब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यहाँ अटैच हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट अटैच होता है वो कैपिटल आर होता है और फिर ये हो गया आई, तो आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो तो R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I, या पहले हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि I को हम यहाँ ला दें तो V बाई I इक्वल टू R, तो नॉर्मली इसी को हम लोग ओम्स ला कहते हैं, V बाई I इक्वल टू R, वेयर R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। अब यहाँ से R की जो वैल्यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई I। अब यहाँ से यूनिट अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो देखें V वोल्ट है तो ये हो जाएगा वोल्ट, और वोल्ट को हम साल्ट में V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और I करंट है तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, हेंस वोल्ट पर एम्पियर is equal to ohm, and ohm is represented by the Greek letter omega, जिसको हम omega कहते हैं। अगर मान लीजिए हमको 5 ohm लिखना हो तो ऐसा नहीं कि हम 5 ohm लिखें तो 5 ohm कहलाएगा, हम 5 लिख करके और उसके सामने ये omega लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया 5 ohm। तो इसको भी आप अपने माइंड में रखे रहेंगे। अब हम आपको ओम की डिफिनीशन बताएंगे, क्योंकि जब कोई भी नई चीज आपके सामने आती है तो उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम यहां से 1 ohm को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ओम, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफाइन ओम, तो ओम को डिफाइन करना होता है। तो देखिए ओम की डिफिनीशन क्या होगी, यहाँ इफ भी इज इक्वल टू 1 volt, भी की वैल्यू 1 volt हो एंड I इज इक्वल टू 1 ampere, तो फिर देखें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1 ohm। तो अब R की जो वैल्यू हो गई 1 ohm हो गई। अब 1 ohm को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखें किसी सर्किट के 2 points के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt होने से इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, या फ्लो होने वाली करंट अगर 1 ampere की हो जाए, तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 ohm के इक्वल होता है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि कई बार आपसे ओम के नियम के लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा जाता है, तो अगर ओम्स लॉ के लिए अगर आपको ग्राफ ड्रा करना होगा तो इसके लिए देखें करंट को हम हमेशा एक्स एक्सिस के तरफ दिखाते हैं, यहाँ करंट दिखा देंगे, और वोल्टेज को हमेशा हम वाई एक्सिस के तरफ दिखा देंगे, ये वोल्टेज है। वोल्टेज और करंट के बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो यह ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है। और याद रखे रहिएगा, आपसे कई बार ग्राफ दे करके पूछा है कि कौन सा ग्राफ जो है ओम्स ला को रिप्रेजेंट करता है,
तो इसको आप हमेशा माइंड किए रहेंगे कि अगर यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तभी ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ ग्राफ में हल्का फुल्का टेढ़ा दे देता है, यहाँ से देकर घुमा देता है या इधर की तरफ घुमा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसको आप माइंड किए रहेंगे, जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इतनी बातों को आप अच्छी तरह से माइंड किए रहिएगा। तो ये ओम्स लॉ रहा। अब इसके बाद जो है हम आप आगे चल करके कुछ अन्य चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।